नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवा मुमरा और ये शील भाटा और ये आसपास के मकीन यहाँ मौजूद हैं और ये इनकी सबकी शिकायत ये कि इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, गरीबी से ये लोग परेशान हैं, लॉकडाउन की वजह से कारोबार खत्म हो चुका है और अब इतना बिल आ रहा है, ये लोग कहाँ से भरेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उनकी यही मांग है, आप देख सकते हैं कि सभी धर्म सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको यही शिकायत है। 22,000 रुपया बिल बता रहे हैं ये, आप 18,000 बिल बता रहे हैं, एक महीने का 18,000, एक महीने का 22,000 रुपया बिल, ये गरीब तबका कहाँ से भरेगा, सब परेशान है। तो यहाँ पर समाज सेवक जावेद सिद्दीकी के साथ ये लोग आए और इन लोगों ने यही मुतालबा किया है कि टोरेंट कंपनी को उस पर गौर करना चाहिए और यहाँ के जो मकामी जो नेता हैं उन्हें भी गौर करना चाहिए, इनकी परेशानी को दूर करना चाहिए। जो माँ बहनें चाहे वो दीवा के हों चाहे मुमरा के हों चाहे कहाँ के भी हों, वो इतने परेशान हैं, एक तो लॉकडाउन में स्कूल से परेशान, लाइट से परेशान और म्यूनसिपालिटी से परेशान है। तो ये मेरी आवाज़ इस न्यूज़ के माध्यम से अगर पहुँचती है तो उन राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए। वो लोग इन जनता के साथ जब वोट के लिए घर घर घूमते हैं तो आज इनका सपोर्ट करना चाहिए, मेरा यही उनका कहना है। अगर टोरंटो कंपनी यहाँ पे जो टोकन दे रही है या यहाँ पे जो गर्दी है जो दादागिरी है ये नहीं होना चाहिए और ये जो बिल इनका बराबर नहीं है इसको दुरुस्ती करना चाहिए और इस पर अपने लोगों को लाइट बिल नहीं भेज रहे भाई आपके बाद में ब्याज लगा रहे हो, महीना महीना क्यों नहीं भेजते। मेरी मांग ये है कि जितने हमारे समाज के लोग हों चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनके ऊपर ये जो लॉकडाउन का कहर बरपा है चाहे वो लाइट हो चाहे स्कूल को चाहे कोई भी समस्या, उसके लिए सरकार यहाँ का राजनेता उनकी समस्या को दूर करे। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति करके गर्दी लगा के काम करे। ये बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग क्या आंदोलन करेंगे? देखो आंदोलन से कुछ मिलता नहीं है, हम कानून में हम कानून पे भरोसा रखते हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास 10,000 कागज है जो सरकार ने एमएससी बोर्ड ने जनता के साथ गलत करके प्राइवेट को दिए, तो हम वो प्राइवेट कंपनी के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे और जनता के लिए हम इसका जो इंसाफ कराएंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी का लाइन काटता है, ज़बरदस्ती किसी को परेशान करता है, उसके लिए हम जो है याचिका दाखिल करके और हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और टोरंटो कंपनी को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है कायदे में जो है जनता के साथ काम करो, जैसे यहां पे गर्दी होती है लोकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए और